तो गाइस आज के इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 12,000। तो भाई आपको बिग बिलियन डे सेल या फिर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में एक बेस्ट 5G स्मार्टफोन चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद इन बेस्ट 5 स्मार्टफोन को सेलेक्ट करा है जिनको आप 12,000 रुपए के बजट के अंदर बाय कर सकते हैं। देखो फीचर्स यहाँ पर आपको टॉप नॉच के मिल जाते हैं, यानी यहाँ पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है 120Hz के स्मूथ डिस्प्ले के साथ, अच्छा कैमरा सेटअप मिल जाता है, 6000mAh की बैटरी मिल जाती है और भाई 8GB की रैम मिल जाती है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से बेस्ट स्मार्टफोन है तो भाई वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, मैं जितने भी स्मार्टफोन मैं बता रहा हूँ उन सभी के साथ ही साथ बताता चलूंगा कि किसी जोड़ को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस यहाँ पर आपका जो 5वें नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है की लावा ब्लेज प्रो 5G स्मार्टफोन है। ये स्मार्टफोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। देखो डिजाइन वगैरह यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि इसके बैक में आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है जो की एकदम प्रीमियम है। एंड भाई ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, यानी 8.9mm की थिकनेस है, 203 ग्राम का है, तो हाथ में थोड़ा सा भारी फील होगा। इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 वाला चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, 40fps तक BGMI को रन कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाता है और भाई इसके अंदर आपको 8GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो बैटरी एकदम आराम से चल जाएगी। एंड 3.5mm हेडफोन जैक मिल जाता है। इसके अलावा 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक IPLCD पैनल है, लेकिन 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले मिलती है, पंच होल कटआउट के साथ मिलती है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, कलर्स वगैरह अच्छे हैं। इसी के साथ बैक में दो कैमरे जिसमें मेन कैमरा 50MP का 8MP की सेल्फी, इसके बैक कैमरे से 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। देखो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, डेलाइट कंडीशन में अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं। इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है इस सेल के दौरान 12,500 रुपए और वैसे 13,000 रुपए है। तो गाइस ये स्मार्टफोन उन्हीं जस के लिए जिनको भाई एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन चाहिए और क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, यानी एक ऑलराउंडर सा स्मार्टफोन चाहिए, तो मेरे ख्याल से इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस सारा कुछ अच्छा मिलता है। तो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपका जो 4th नंबर वाला स्मार्टफोन है जो है की पोको X5। देखो ये स्मार्टफोन जनरली 15,000 रुपए के अंदर सेल होता है, लेकिन अभी के टाइम पे ये स्मार्टफोन 13,000 रुपए मिल जाएगा। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 12 पर रन करता है और यहाँ पे आपको मिलती है 7.9mm की थिकनेस है, 188 ग्राम का है। देखो काफी ज्यादा लाइट वेट सा स्मार्टफोन है और यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसके अब मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 695 वाला चिपसेट है। देखो ये 21 बजट के अंदर पावरफुल चिपसेट है, अच्छी गेमिंग कर सकते हैं इसके अंदर आप। एंड हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है और भाई 5000mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, UFS 2.2 का सपोर्ट मिलता है, तो बैटरी एक दिन आराम से चल जाएगी। एंड इसी के साथ आपको मिलती है भाई 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि एक एमोलेड है, 120Hz की स्मूथ डिस्प्ले के साथ आती है और 1200 nits की पीक ब्राइटनेस है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आपको इस बजट के अंदर टॉप नॉच की मिलती है, यानी ऐसी डिस्प्ले आपको बजट में किसी भी स्मार्टफोन में नहीं मिलती है। एंड इसके साथ आपको बैक में तीन कैमरे जिसमें मेन कैमरा 48MP का है और 8MP का अल्ट्रा वाइड, यानी फ्रंट में 13MP की सेल्फी। तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। देखो कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो डे लाइट हो लो लाइट हो अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको 6GB रैम, 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस 13,000 रुपए मिल जाती है इस सेल के दौरान। तो गाइस कुछ लोगों का बजट 13,000 रुपए से ज्यादा भी होता है तो उनके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट है। देखो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस टॉप नॉच के मिल जाते हैं, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस लिस्ट के तीसरे स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं जो कि इन्फिनिक्स हॉट 30 5G स्मार्टफोन है। तो अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो बैक में प्लास्टिक बॉडी है और डिजाइन आपको एकदम प्रीमियम सी मिलती है,
यानी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है और थोड़ा भारी सा स्मार्टफोन है क्योंकि 9.1 mm की थिनेस है, 215 ग्राम का है। देखो यहाँ पर आपको मिल जाता है बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, यानी इसके बैक कैमरे से आप 2K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पे। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो अच्छी कैमरा क्वालिटी आपको मिल जाती है, कलर्स वगैरह अच्छे निकल के आ जाते हैं। इसी के साथ मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 वाला चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है और 12 5G के बैंड्स मिल जाते हैं। देखा जाए तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी निकाल के दे देगा, परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं है। इसी के साथ 8GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, भाई जो मुझे किसी काम की तो लगती नहीं है, आप बताना आपके काम आती है कि नहीं आती है। तो ट्रिपल गार्ड स्लॉट मिल जाता है और डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, यानी ऑडियो का आउटपुट तगड़ा रहने वाला है। तो यहां पर आपको 6000 mAh की बैटरी है, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है और 5W की रिवर्स चार्जिंग मिल जाती है। देखो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बैटरी मिल जाती है गेमिंग के लिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस 120Hz की स्मार्ट डिस्प्ले, पंच होल कटआउट के साथ मिलती है और भाई 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। अगर देखा जाए तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी यहाँ पे आपको अच्छी मिल जाती है, बड़ी डिस्प्ले गेमिंग के लिए। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है। तो अब फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो भाई 8GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको मिल जाती है 12,500 रुपये के अंदर। तो गाइस अगर आपको चाहिए एक बड़ी रैम और स्टोरेज के साथ एक अच्छा कैमरा सेटअप हो, अच्छी डिजाइन हो, तो मेरे ख्याल से आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है, इसके अंदर आपको यूजर एक्सपीरियंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं मिलता है, तो आप इसको ध्यान में रखना। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो भाई काफी ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके वीडियो के सेकंड लास्ट स्मार्टफोन के बारे में जो है कि वीवो T2X 5G स्मार्टफोन है। तो देखो यहाँ पे आपको डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, यानी ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है और 8.1 mm की थिकनेस है, 184 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो काफी लाइट वेट सा हैंडी स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6020 वाला चिपसेट है जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। देखो इस चिपसेट में आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं 40fps तक। देखो इस बजट में ये एक स्टेबल चिपसेट है और हाइब्रिड सिम स्लॉट मिल जाता है, 6GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं एंड भाई 5000 mAh की बैटरी, 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बैटरी एक दिन आराम से चल जाएगी। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है, नॉर्मल 60Hz का स्मूथ डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आती है। डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है लेकिन स्मूथनेस यहाँ पर आपको नहीं मिलती है, तो डिस्प्ले एक माइनस पॉइंट लगा मेरे को, वो भी वाटर ड्रॉप नॉच है। एंड बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो बैक फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। तो भाई डे लाइट कंडीशन में अच्छे फोटो निकल के आ जाते हैं लेकिन लो लाइट में थोड़े सॉफ्ट फोटो निकल के आते हैं। एंड सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट है, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलता है। तो अब फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। तो 4GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको इस सेल के दौरान 11,000 रुपए मिलती है और वैसे इसकी प्राइस 12,000 रुपए है। तो गाइस ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए, देखो अगर आपका बजट 12,000 रुपए से कम है यानी 11,000 रुपए और उसमें आपको एक परफेक्ट अच्छी कैमरा क्वालिटी के साथ 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपके वीडियो के फर्स्ट नंबर वाले स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं जो है कि Realme 11X 5G स्मार्टफोन है। देखो इस स्मार्टफोन की मुझे डिजाइन सबसे अच्छी लगी, बैक में प्लास्टिक बॉडी है एंड भाई ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 पर रन करता है, यानी 7.8 mm की थिकनेस है, 190 ग्राम का स्मार्टफोन है, तो भाई काफी ज्यादा हैंडी स्मार्टफोन है। तो इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले है जो कि एक LCD पैनल है, 120Hz का स्मूथ डिस्प्ले मिल जाता है और 550 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है, पंच होल कटआउट के साथ मिलती है, तो डिस्प्ले की जो क्वालिटी है कलर्स वगैरह वो यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाते हैं, तो डिस्प्ले कोई भी दिक्कत नहीं है, तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। इसी के साथ बैक में डुअल कैमरे का सेटअप है जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो इसके बैक और फ्रंट कैमरे से आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30fps पर। देखो कैमरा क्वालिटी यहाँ पर आपको डे लाइट हो, अच्छी फोटो निकल के आ जाते हैं, यानी पंची कलर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि देखने में काफी अच्छे लगते हैं, तो कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच की मिलती है।
इसी के साथ डायमेंसिटी 6100 वाला चिपसेट मिल जाता है जो कि एक स्टेबल चिपसेट है, यानी परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। कैजुअल गेमिंग आप इसके अंदर आराम से कर पाएंगे। इसी के साथ 6GB की वर्चुअल रैम ऐड कर सकते हैं, ट्रिपल कार स्लॉट मिल जाता है और भाई यहाँ पे आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी, 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, तो बैटरी एक दिन आराम से चल जाएगी। इसी के साथ सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक का सपोर्ट मिल जाता है जो कि इंस्टेंट वर्क करता है। तो फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, तो गाइस यहां पे आपको 6GB रैम 128GB का स्टोरेज है जिसकी प्राइस आपको इस सेल के दौरान 12,000 रुपए मिल जाती है। तो गाइस अगर आपको चाहिए रियलमी की तरफ से एक अच्छा डिजाइन, उसी के साथ कैमरा क्वालिटी और अच्छी डिस्प्ले हो, तो आप इस स्मार्टफोन को कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस ये थे आपके बेस्ट 5G स्मार्टफोन जिनको आप 12,000 रुपए के अंदर बाय कर सकते हैं। देखो मैं साथ ही साथ बताता चलाऊंगा कि किसी जोर को कौन सा स्मार्टफोन बाय करना चाहिए, तो अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।